तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी प्लान बना रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो क्या क्या एक छोटी मोटी सी चीज़ें बताऊंगा यार, जो आपको कम से कम वो तो खुद ही चेक कर लेनी चाहिए, जो आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा और यार जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ मैं इस गाड़ी के बारे में भी कुछ बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं गाड़ी के बाहर कि हमें गाड़ी के बाहर से जब आप गाड़ी देखेंगे कोई भी सेकंड हैंड खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करें वो दिखा देता हूँ मैं। तो भाई फिलहाल मैं खड़ा हूँ मतलब मारुति 800 के सामने, थोड़ी गंदी बंदी सी हो रखी है यार, ये सेकंड हैंड गाड़ी है, पुरानी है काफ़ी। आप फ्रंट से ऐसे गाड़ी देखिए, सबसे पहले गाड़ी की बॉडी लाइन चेक कीजिए, गाड़ी बॉडी लाइन से कैसी है, बॉडी लैंग्वेज उसकी ठीक है नहीं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है, ये देख रहे हैं आप, ये जो गैप आ रहा है, मतलब ये तो जैसे आप गाड़ी कंपनी से लाते ना इतना तो गैप आता ही है कंपनी से भी, तो ये तो चलो यहाँ पे ठीक है, आपको दिख रहा है ऐसे कोई टूट फूट भी नहीं है, गाड़ी मोड़ नहीं रही है, बोनट कुछ भी नहीं हो रहा है। और आप इसकी दूसरी लाइन पर आएंगे ना तो यहाँ देखो कितना गैप है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है, मतलब बॉडी लाइन में यहाँ पे छेड़छाड़ की गई है, कुछ ना कुछ गाड़ी के साथ हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें चेक करनी है, बोनट की हो गई, साइड से हो गए, साइड से भी आप देख सकते हैं, मतलब ये फेंडर वगैरह को देखें, आप ये सारी जितनी भी लाइनें हैं ना डोर सारे ओपन करके बंद करके देखें, सही से बंद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा गैप वैप तो नहीं आ रहा है। इस तरीके से पहले तो आप पूरी गाड़ी अच्छे से बॉडी लाइन से आप चेक कर लें, कोई भी ज़्यादा गैपिंग तो नहीं है कहीं पर, कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पर आपको ज़्यादा गैपिंग दिख रही है या कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा दिख रही है तो आप उसमें मतलब थोड़ा डाउट करें, ज़रूर डाउट करें। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई हमारी बॉडी लाइन की, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, अपना इंजन भी आता है, मेन इंजन के बारे में भी बताऊंगा मैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, बम्पर वगैरह, लाइट वाइट, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान से चेक करें, कोई जुगाड़ तो नहीं कर रखा है गाड़ी के अंदर, कोई कुछ वैसे तो काम नहीं कर रखा है, गाड़ी ओरिजिनल है नहीं है, कौन चला रहा है, कितनी चली, सारी चीज़ें आप चेक करें। अब मैं आपको इंजन खोल के दिखा देता हूँ, बोनट खोल दिया अपना। अब आपको सबसे पहली चीज़ बोनट पे क्या चेक करने, बोनट खोलने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरी रेलिंग है ये नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब ये चारों तरफ से जो ये आप देख रहे हैं ना ये वाली, ये अब दिख रही होगी आपको क्लियर। तो भाई ये जो सारी चीज़ें ना, ये वाला जो पोजिशन है ये आपको चारों तरफ से चेक करना है, कैसे कोई टूट फूट तो नहीं, कोई गलावट तो नहीं है, जैसे कि होल वोल हो रहे हैं ना ये देख रहे हैं आप, कंपनी से ही आते हैं। अगर किसी के मतलब कोई फॉल्ट है ना गाड़ी के अंदर, तो भाई ने किसी ने मतलब यहाँ पे कोई टच हुआ होगा, यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करा रखे हो, या कोई होल आपको ऐसे कुछ मिल रहे हो, यहाँ पे गले पड़े हों, या कोई अलग से कुछ अलग ही तरीके का मिल रहा हो, तो भाई ने कोई बेल्ट करा रखी हो, कोई मुड़ रहा हो तोड़ रहा हो, इसका मतलब गाड़ी एक्सीडेंटल है। अगर भाई ये चीज़ें यहाँ पे अगर आपको ख़राब मिलती है ना, तो ये समझ जाना आप ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कहीं ना कहीं, ये तो कंपनी के हैं ये सारे। अगर वो कहीं से होता है जैसे यहाँ से टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बेल्ट करा रखा होगा, वो आपको ईजी अलग से दिख जाएगा। तो भाई ये चीज़ें सबसे पहले आपको चेक करनी है, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे। तो भाई उसके बाद आपको ये चीज़ें चेक करनी है, ये जो चीज़ है ना इस पर भी आपको सेम चीज़ एकदम कवर अप करनी है, सेम चीज़ इस पर डाउट है नहीं है, कोई भी आपको डाउट दिख रहा है, मतलब सारी चीज़ें देखनी है यहाँ पे। ये जो पूरा ये लाइन है ना पूरी, मतलब यहाँ पे कोई अलग से छेद नहीं है, कोई मतलब वेल्डिंग तो नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस तरीके का आपको देखना है। ये तो मतलब मेरा यहाँ पे जो दिख रहे हैं तो ओरिजिनल छेद हो रहे हैं, इसके जो ओरिजिनल होल है। आपको कोई भी इसमें कुछ दिक्कत लगती है, कहीं से बेल्ट हो रही है, मुड़ रही है, या कुछ भी आपको यहाँ से कुछ लग रहा है उल्टा सीधा, तो भाई गाड़ी एक्सीडेंटल है आपकी, ठीक है भाई। तो मैं आपको कंफर्म करा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके, यहाँ से अगर गाड़ी ठुकी है तो ये एक्सीडेंटल है। इसके बाद आपको इंजन के अंदर क्या चीज़ें चेक करनी है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आना है शोकर पिलर पर, जिसके ऊपर में शोकर के जो स्टैंड होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि भाई ये चीज़ देख रहे हो आप, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आप नीचे से देखोगे तो शोकर स्टैंड है। आपको इस पर क्या देखना है, इस पर क्या चीज़ नोट करनी है, पूरे पे नीचे से ऊपर तक लाइट मार के देख लेना भाई, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो, कहीं से बेल्ट तो नहीं हो रहा, अगर कहीं से बेल्ट बेल्ट हो रही तो यहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ और देखनी है कि किसी ने मतलब पुट्टी उट्टी करवा रखी हो, जैसे टच हो जाता है ना भाई ये बैठ जाता है, या कहीं से भी डैमेज हो जाता है, भाई पुट्टी करवा देते हैं इस तरीके से वाइट कलर के, और फिर इस तरीके से वो करा देते हैं। तो भाई इस तरीके का कुछ भी दिख रहा है आपको, समझ जाना आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है जो आप देख रहे हो। और भाई इजी सा है, मतलब फ्यूल गेज एक चीज़ और देखनी है आपको, फ्यूल गेज ओपन करना, निकालना, और आपको एक्सीलेटर देना है, अगर वो उसमें से भी मतलब स्मोक बैकअप कर रहा है, अगर इसमें से धुआं निकल रहा है, तो भाई गाड़ी में भी प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंजन का काम है वो भी।
तो वो इजी, वो तो हो जाएगा आपको रिपेयर, वो तो कराना मतलब इजी हो जाएगा। ये जो चीज़ें मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूँ ये तो मतलब यार आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है। ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गाड़ी एक्सीडेंटल, अगर आपकी गाड़ी की छत है और डिग्गी है उसके बारे में मेन चीज़ बताऊँगा मैं आपको। ये हमने गाड़ी की डिग्गी ओपन कर ली इसके बारे में बताऊँगा, तो सेम चीज़ जो प्रोसीजर मैंने आपको आगे बताया वो पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे पीछे भी यहाँ पे देख लेना है पूरी लाइन पे। सेकंड थिंग क्या आ जाती है भाई, ये चीज़ ये जो मैट है ना इसको आप उठाएंगे और देखेंगे, जैसे यहाँ से ये जो एरिया है गाड़ी का, ये स्टपनी है इसके नीचे, ये सब जैसे कि आप उठाएंगे पूरी को देखेंगे कहीं से गाड़ी गल रही तो नहीं है, जो इसकी बॉडी है वो कहीं से गल रही तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं रहा है, ये तो थोड़ा जंग खा रही है बस, गलवल नहीं रही है भाई। ये भी आपको ये देखना है कि बॉडी जो है गाड़ी की पूरी गल रही है नहीं गल रही है, अगर गल रही है गाड़ी छोड़ देना। और भाई डिग्गी के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर किसी गाड़ी की आपको छत और डिग्गी पेंट मिल रही है तो भाई ये समझ जाना गाड़ी आपकी एक्सीडेंटल है, क्योंकि गाड़ी देखो पूरी डिग्गी और छत और बोनट भी तभी पेंट होंगे जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई होगी, वरना भाई गाड़ी पेंट नहीं होती है। और जो साइड से जैसे कि डोर्स हैं, बम्पर हैं, ये तो भाई पेंट होना चलते रहते हैं, तो लग जाते हैं कहीं भी, अगर आप गाड़ी लेके चलोगे निकलोगे तो आपके जो बम्पर है और साइड के डोर्स वगैरह है, फेंडर वगैरह हैं, ये सब तो यार इजी पेंट होते ही रहते हैं, कोई ना कोई कराते ही रहते हैं सब, इसमें कोई एक्सीडेंटल वाली बात नहीं होती है, टच होते ही रहते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो रिक्शे वाले भी टच कर देता है। छत बोनट और डिग्गी की मैंने मेन बता दिया, अगर ये पेंट मिल रहे हैं आपको तो भाई समझ जाना गाड़ी ठुकी पिटी है, एक्सीडेंट हुई है गाड़ी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत।